आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन न्यूज़। इस सीरीज में मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट देता हूं। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, जो रेलवे की 2.5 लाख पोस्ट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में, जिसकी हर न्यूज़पेपर में चर्चा चल रही है। दूसरी, जो कि सच में जो वैकेंसीज निकली है मैं उसके कुछ आपको अपडेट्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की वो 2.5 लाख वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसीज आई कहाँ से। जो 2.5 लाख वैकेंसी की संख्या है ये तीन रीजन से आई है। सबसे पहला रीज़न ये कि 2016 में जो रेलवे की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें काफ़ी वैकेंसीज अनफिल्ड रही थी, तो वो वैकेंसीज 2017 में फिल करने वाले हैं। प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे से एक रिपोर्ट मांगी कि जो बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज है उसके रीजन क्या है। और इसके वन ऑफ द रीजंस में से जो सामने आया वो था लैक ऑफ वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स की जो क्वालिटी है उसके अंदर भी काफी लैक था। तो सरकार ने रिपोर्ट मांगी कि 2019 तक कितने लोग रेलवे से रिटायर होने वाले हैं, तो जिसकी संख्या इस सारी संख्या को मिलाकर के लगभग 2 से 2.5 लाख की पोस्ट सामने आई। इसलिए जो कुछ न्यूज़पेपर हैं जैसे हिंदुस्तान और कुछ लोकल न्यूज़पेपर है, कोई बहुत बड़ा न्यूज़पेपर नहीं, कोई द हिंदू पे या टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आया, लेकिन जो लोकल और मीडियोकर लेवल के न्यूज़पेपर है उनके ऊपर आर्टिकल्स आए थे इसके बारे में कि 2.5 लाख की पोस्ट निकलने वाली है। देखिए, इस चीज़ को कोई भी अभी कंफर्म नहीं कर सकता। 2.5 लाख की पोस्ट क्या पॉसिबल है होना? तो बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं चाहता हूँ कि हो। मेरे 71,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये पोस्ट आई 2.5 लाख की तो शायद मेरे सारे सब्सक्राइबर्स की जॉब लग जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हम सब यही चाहते हैं कि 2.5 लाख की पोस्ट आए, लेकिन इस पर शक इसलिए होता है क्योंकि 2014 में भी ऐसी अफवाह उड़ी थी इंडिया टुडे के माध्यम से, और 2.5 लाख 2 लाख के पोस्ट उस वक्त भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार काफ़ी हद तक लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि हो। और ऐसा एक चर्चा डिफेंस के बारे में भी उठा था कि डिफेंस की पोस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है, जो एयरफोर्स आर्मी के 30 साल से ज्यादा सर्विस करने वाले लोग हैं उनको रिटायरमेंट देने वाली थी गवर्नमेंट, और उसकी वजह से काफी ज्यादा पोस्ट की स्कार्सिटी क्रिएट होने वाली थी, तो वो चीज भी नहीं हुई। लेकिन इसके ऊपर देखते हैं, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर अपडेट करूंगा। और मेरी वेबसाइट है novarnikhil.com, आप गूगल करिए novarnikhil, और उस पर भी आप जाके हमेशा चेक कर सकते हैं कि कोई वैकेंसी आई है कि नहीं इस टाइप की। तो चलिए, मैं आपको जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो करंटली निकली हुई है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा मिलता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अच्छा लगता है कि लोगों को वीडियो पसंद आया। तो आपको मेरी वेबसाइट पे सबसे पहले आने के लिए गूगल करिए novarnikhil, ठीक है। बस जैसे आप novarnikhil गूगल करते हैं आपके सामने नीचे अपने आप ही चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे और मेरी वेबसाइट पे सीधा पहुँच जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप फेसबुक का पेज मेरा, डायरेक्टली यहाँ से भी लाइक कर सकते हैं। और आप जैसे नीचे आएंगे आप अपने काम की चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और फ्री वीडियो क्लासेस। तो आप लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पर क्लिक करके लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के पेज पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी जॉब नोटिफिकेशन अपडेट करता रहता हूँ। मैं हर वीक एटलीस्ट एक तो ये वीडियो बनाता ही बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ जॉब यहाँ पे निकली हुई हैं जिसकी डिटेल मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो एक तो सबसे पहले दिख रहा होगा कैबिन क्रू, जो कि एयर होस्टेस के लिए, सिर्फ फीमेल्स के लिए है, जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं आपको इस पेज पे आ जाऊँगा जहाँ पे डिटेल्स मैंने अच्छे से लिख रखी है। और आप देख सकते हैं कि 400 पोस्ट है निकली हुई है। 400 पोस्ट काफ़ी होती है एयर होस्टेस को देखा जाए तो, क्योंकि 50-60 पोस्ट ही नॉर्मली निकलती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 12th है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, और आपका सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर नौकरी लग जाएगी। इसकी पे स्केल जो आपको दिख रही है यहाँ पे 15,000 ही सिर्फ अंडर ट्रेनिंग में है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होगी। और एक सबसे अच्छी बात है इसकी एज, जो इसकी एज है वो 18 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक है। तो ये काफ़ी अच्छी है गर्ल्स के लिए। और आपको डेट्स यहाँ पर नीचे दिख जाएंगे, और आपको जो अगर डाउनलोड करना होगा नोटिफिकेशन यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई करना होगा तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और जो गर्ल्स इस जॉब में इंटरेस्टेड होंगी और उनको इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स चाहिए होंगे तो ज़रूर कमेंट करें वीडियो के नीचे, तो मैं अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो एक वीडियो बना दूंगा एयर होस्टेस के इंटरव्यू को क्रैक कैसे किया जाए, वो भी बिना किसी कोचिंग वगैरह के, क्योंकि इसकी कोचिंग में बहुत ज़्यादा लगभग 1 लाख के आसपास पैसे लग जाते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है बैंगलोर मिल्क यूनियन लिमिटेड में, और ये आपकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स के लोगों को ही ले रहे हैं। तो ये बीकॉम वालों के बहुत पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि जॉब हमारे लिए, तो ये आपके लिए अच्छी जॉब आई है। और भी जो जॉब्स आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। और जीएनके में लेक्चरर की आई है, 54 पोस्ट है, इसके लिए जो जीएनके के लोग हैं वो ज़रूर अप्लाई करें।
एक ये बड़ी यूनिक जॉब है, विलेज रिसोर्स पर्सन। ये बेसिकली नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और वो उसी डिस्ट्रिक्ट के, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हो। एक नाम का रिटर्न एग्जाम होने वाला या फिर वो भी नहीं होगा और आपका सिर्फ इंटरव्यू पे हो जाएगा। और अगर आपका जो वहाँ का डीएम होता है वो अगर जान पहचान का होगा तो ऐसे ही आपकी जॉब लग जाएगी। ये कोई बहुत ही परमानेंट बहुत तगड़ी जॉब नहीं है, डेली बेसिस पे 400-500 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है अपने डिस्ट्रिक्ट पे काम करके आपको फ्री के पैसे मिल जा रहे हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट, मैंने बताया था हर हमेशा आती रहती है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई है आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की और ये इसमें 4200 ग्रेड पे है जो कि सब इंस्पेक्टर के ग्रेड पे के बराबर है। और जो भी बीटेक लोग हैं इसके अंदर मेरे ख्याल से सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी निकली है 3019, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो जो बिहार झारखंड के लोग हैं वो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन की ये रिक्रूटमेंट है, तो आप देख सकते हो कि कई एग्जाम है जिसकी डेट्स ख़त्म होने वाली है, तो आप इनको जल्दी से जल्दी भर देंगे तो अच्छा रहेगा। और ये कॉन्स्टेबल मेल फीमेल की पोस्ट है 1073, आप इस फॉर्म को भी ज़रूर भरें। और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट है आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसको भी जो डॉक्टर्स हैं जो वो भर सकते हैं। और एक ये असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की, ये ग्रेजुएशन की डिमांड कर रहे हैं और इसकी डेट भी काफ़ी पास आ चुकी है, 31/7 आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आपकी पूरी होती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए तो आप भर देना, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। तो ये थे इस वीक के अपडेट्स, और आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं ऐसे अपडेट्स देता रहूँगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो करके मुझे वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।